आज मुझे बड़ी खुशी है कि सपना जी और हमारे पंकज चतुर्वेदी जी जो ओपनिंग हुई आज संस्कृति की, मुझे दिल से मैं कह रहा हूँ कि मतलब जिस टाइप के जो फूड हैं आजकल, आप जाए रेस्टोरेंट में क्या खाना, कुछ नहीं मिलता, सब फास्ट फूड सब चल रहा है आज का जो खाना है यहाँ का राजस्थानी फूड जो है, रियली इतना टेस्टफुल है कि अभी मुझे लगता है कि हर एक हफ्ते तो मुझे आना ही पड़ेगा यहाँ, हाँ, क्योंकि इनसे मिल के और ख़ासकर पंकज जी के साथ हमारे भाई जैसे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने बनाया रेस्टोरेंट, ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। यहाँ का खाना जैसा आप देख सकते हैं सात्विक फूड है। सात्विक मतलब ये वो खाना है जो कि हम लोग जन्मों जन्मों से खाते आ रहे हैं, लोग हमारे पूर्वज भी खाते आ रहे हैं। ये खाना जो है इसमें हम लोग अनियन और गार्लिक इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये जानना है, हमने ये सीखा है कि अगर हम लोग अनियन और गार्लिक इस्तेमाल करेंगे खाने में तो जो मसालों का स्वाद है और बाकी सब्जियों का स्वाद है वो सारा ख़त्म हो जाता है, आपको सिर्फ अनियन और गार्लिक का स्वाद आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खुद ही डेवलप किए हैं, सपना जी ने रेसिपीज़ डेवलप की हैं, मसाले डेवलप किए हैं, हम लोग वो मसाले इस्तेमाल करते हैं जिससे कि खाने का असली स्वाद निखर के आता है और सिर्फ कोई एक या दो इंग्रेडिएंट का स्वाद उसके बाकी चीज़ों पर हावी नहीं होता है। यहाँ पर सब तरह का खाना है जो कि आप बचपन से खाते आ रहे हैं और अभी बूढ़े हो गए लोग तब भी जो खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ गोलगप्पा, चाट, छोले भटूरे से लेकर जो घर का खाना होता है, फुल्का, सब्जी, दाल, ये सब कुछ मिलता है। और साथ में मुंबई की स्पेशल चीज़ें जैसे पाव भाजी, रगड़ा पैटिस, वो भी हमने अपने मेनू में इंक्लूड की है जिससे कि हम लोग हर किसी को कुछ ना कुछ दे पाएँ। और पूरी तरह से जो खाना है वो साफ है, शुद्ध है, और रोज़ सुबह हमारे नए साफ इंग्रेडिएंट्स आते हैं, नई सब्जियां आती हैं जिसके हिसाब से हम खाना बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जब मुझे आलिया भट्ट, आप देख रहे हो, शी इज़ लुकिंग लाइक आलिया भट्ट, 5 साल बाद आलिया भट्ट भी ऐसी दिखेंगे, तो उन्हें जब मुझे इन्वाइट किया है गोलगप्पा खाने के लिए, तो मैंने अपने को संभाल नहीं पाया, मैंने कहा सब काम छोड़ के पहले यहाँ पर आना है। इतना अच्छा शॉप खोला उन्होंने और ऐसे उनका शॉप तो बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इतना अच्छी जगह में खोला है तो बहुत तो चलेगा। तो मैं कह पहले मैं टेस्ट तो कर लूँ, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से ऊपर आइटम्स है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और कभी 100 से 150 रेसिपीज़ है। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगी कि उसमें लहसुन प्याज वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, लेकिन जो अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने इस बात को समझाया कि जब आप जो खाना खा रहे हैं उसका स्वाद आए, जो आप दाल खा रहे हैं, जो आप सब्जी खा रहे हैं उसमें उसका स्वाद आए, न कि मसाले का या प्याज का या लहसुन का। तो ये बहुत बढ़िया विशेषता लगी और मैंने उनको बोला कि ये सारी बात आप मेरी पत्नी के सामने बोलना। तो होली के लिए आपने ऐसा सुना होगा, होली में लोग गुजिया खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, सब जगह इनफैक्ट पूरे इंडिया में, तो हम लोगों ने गुजिया चालू की है। और साथ में क्योंकि होली का त्यौहार है सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, मथुरा, बनारस वाली जगह पर, तो मथुरा और सॉरी वृंदावन, नॉर्थ बनारस। और हम लोगों ने आप जैसे देख सकते हैं इसमें मेनू नया इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर रेगुलर मेनू से ज़्यादा हम लोग उसमें ठंडाई है, जलेबी, गुजिया और खस्ता कचौरी। तो एक तरह से नाश्ता है जो कि लोग होली ख़त्म होने के बाद जब थक हार जाते हैं और उसके बाद जो खाना पसंद करते हैं वो सारा खाना है, तो उन्हें फिर से रिफ़्रेश करता है, 4 बजे आके वो खा सकते हैं, उसके बाद फिर से होली खेलने वापस जा सकते हैं। कि आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ इतना प्यार से बुलाया है, और देखिए कितना एक उनको वो रिस्पेक्ट, भाई हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें हमारे भाई होने चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी है आज मैं आके, मैं बहुत खुश हूँ। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.